भारत की तरह रूस से सस्ता तेल मांगने गए पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी। रूस ने पाकिस्तान को सस्ता तेल देने से साफ इनकार कर दिया है। रूस ने कहा कि वो पाकिस्तान को उसी रेट में तेल बेचेगा जिस रेट में अन्य देशों को दे रहा है। भारत की तरह उसे सस्ते दाम में तेल नहीं मिल पाएगा। अखबार द न्यूज में छपी खबर के अनुसार पाकिस्तानी अधिकारियों का प्रतिनिधिमंडल रूस गया। पाकिस्तानी प्रतिनिधिमंडल ने रूस के अधिकारियों से मुलाकात की। बैठक के दौरान पाकिस्तानी अधिकारियों ने रूस से कहा कि वो भारत की तरह पाकिस्तान को भी सस्ते दामों में कच्चे तेल का निर्यात करे। रूस ने पाकिस्तान को सस्ता तेल देने से मना कर दिया। पाकिस्तानी अधिकारियों के प्रतिनिधिमंडल ने रूसी अधिकारियों के साथ बातचीत में कच्चे तेल पर 30 से 40 फीसदी की छूट की मांग की थी। इस मांग को रूस ने अस्वीकार कर दिया है। बता दें कि यूक्रेन पर हमले के बाद अमेरिका समेत पश्चिमी देशों ने रूस पर कड़े प्रतिबंध लगाए। ऐसे में रूस का तेल निर्यात काफी प्रभावित हुआ। भारत ने इसका फायदा उठाया और रूस से काफी डिस्काउंट पर कच्चा तेल यानी क्रूड ऑयल खरीदा। भारत अभी भी रूस से सस्ता कच्चा तेल खरीद रहा है। पाकिस्तान भी भारत की तरह रूस से सस्ता तेल लेने गया था, लेकिन उसे तगड़ा झटका लगा है। रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान के प्रतिनिधिमंडल में पेट्रोलियम राज्य मंत्री मुसादिक मलिक, पेट्रोलियम सचिव मोहम्मद महमूद मास्को गए थे। पाकिस्तान इस समय पेट्रोल डीजल की महंगाई से जूझ रहा है। पाकिस्तान को उम्मीद थी कि भारत की तरह ही उसे भी रूस से सस्ता कच्चा तेल मिल जाएगा। रूस ने साफ कहा कि वो दूसरे देशों को जिस कीमत पर तेल बेचता है उसी कीमत पर पाकिस्तान को देगा। यूक्रेन युद्ध के बीच भारत ने न सिर्फ रूस से कच्चा तेल खरीदा बल्कि उसे रिफाइन करके अमेरिका को बढ़ी हुई कीमतों में भी बेचा। इससे भारतीय रिफाइनरीज ने जमकर मुनाफा कमाया है। भारत ने इस साल अमेरिका को जमकर बीजीओ यानी वैक्यूम गैसोलीन निर्यात किया है। पश्चिमी देशों द्वारा रूसी सप्लाई का विकल्प तलाशने के चलते ये हुआ है। बता दें कि वीजीओ का उपयोग ज्यादातर गैसोलीन और डीजल जैसे प्रोडक्ट के उत्पादन के लिए रिफाइनरी फीड स्टॉक के रूप में किया जाता है। यूक्रेन युद्ध से पहले रूस अमेरिकी रिफाइनरों के लिए एक प्रमुख वीजीओ सप्लायर हुआ करता था। अब यही काम भारत कर रहा है, यानी भारतीय कंपनियां इसे सस्ते दामों में बनाकर महंगे दामों में पश्चिमी देशों को बेचकर मुनाफा कमा रही है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।